बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है लोहड़ी। और गाइस आप लोगों को पता ही है कि मेरी माता जी का देहांत हुआ था आज रात को, तो हम लोग तो लोहड़ी, मैं तो खैर पता नहीं मना ही ना पाऊँ कभी, क्योंकि ये गम और वो रहेगा अंदर। बाकी पंडित जी से बात की, उन्हें बुक किया, एंड टाइम पे कोई हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से पंडित जी हुए। फिर अभी फूल माला पूरा पूजा का हवन का सामान ये सारा मैं ले लिया, अभी मैं और मेरी सिस्टर पूरा लेने आए हैं। बाकी ये देखिए मैं ये दुकान फूल भी ले, अभी पान के पत्ते वगैरह सब लेने। रात के बज रहे हैं अभी 9:30 से ज़्यादा, अमित जी घर पहुँच गए हैं, मेरी सिस्टर आ गई थी तो उसके साथ हमने पूरा सामान ले लिया। बाकी पान वगैरह पत्ते लेके घर जाएंगे, फिर फ्रूट वगैरह लेंगे और कल पंडित जी आएंगे, फिर हवन वगैरह करके फिर शाम को हम मंदिर वगैरह जा कर के जो हमने सोचा है कि कुछ बांट देंगे। भंडारा तो नहीं पॉसिबल हो पाया, तो नेक्स्ट टाइम बाकी आपको दिखाऊंगी मैं कि हम और क्या क्या अपडेट है। बाकी यार ठीक है, घर जा रहे हैं अभी और कुछ सामान भी लिया है पंडित जी के देने के लिए। मुझे तो पता ही था, मेरे मासा जी ने बताया है कि भाई कुछ अनाज वगैरह का भी ले लेना, और कल वैसे ही मकर संक्रांत है तो दान करना अच्छा भी होता है। और गुग्गू को बहुत नींद आ रही है, गुग्गू कल नानी को 1 साल हो जाएगा बेटा गए। गाइस बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता यार कि मेरी माँ को गए हुए 1 साल हो गया, जहाँ हम उनके बिना 1 मिनट भी रह पाते थे यार। चलिए बाकी घर जाके आप लोगों को बताती हूँ मैं। और गाइस फाइनली हम घर पहुँच गए हैं, और ये देखिए है डालो डालो इतना सारा सामान भी ले लिए, और ये इसका तो अलग ही लगा रहता है गाइस, कुछ नहीं हो सकता ऐसा सामान दिखा। ये देखो ये मेरा ब्लॉग देखते ना डोलू, तेरे को अपने ब्लॉग में आने की लग जाती है। गाइस कल की पूजा का सामान, बाकी यहाँ पे ये सब कुछ सोफा वगैरह हटा के हम लोग यहाँ सिटिंग एरिया वगैरह करेंगे, और उस पे है ना, और ये सब हट जाएगा। हाँ यही बोल रहा ना पापा, ये सब हटके इधर आ जाएगा ना है। ये मेरे पापा हमेशा की तरह काम करते हुए, हाँ तो जो इस वाले एरिया में बैठेंगे ना पंडित जी वगैरह हम लोग। अच्छा ठीक है, ये बड़ा वाला ऐसे रख जाएगा। ठीक है मंदिर, मंदिर को इधर रखेंगे, मंदिर यही रहेगा। लाइट क्यों नहीं चल रही इधर की? लाइट नहीं चल रही। ओह शिट, तो चौकी मैं कह रही हूँ जो वो वैसे उसका मम्मी का ये चौकी, वो मंदिर नीचे रख के चौकी कैसे करनी है? नहीं एक तो यहाँ टेबल लगा के चौकी पे जैसे मंदिर रखा है ना, वैसे मूर्ति रखी जाएगी ना है। हाँ हवन तो बीच में होगा, फिर उस साइड मूर्ति कैसे रखेंगे या यही होगा? पटरा नहीं यार, स्टूल होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी पटरे पे रखेंगे लाल कपड़ा पटरे। ये नहीं, ये वाला ठीक नहीं, ये नहीं रखेंगे जी, इतने बड़े पे नहीं रखते हैं। क्यों? पटरे पे रखेंगे, जब पूजा हवन होता है तो नीचे रखते हैं फोटो को, पटरे के ऊपर रखेंगे। ऐसी ये नॉलेज दे रही है गाइस, मुझे नॉलेज नहीं है। अभी ये एक और ये इनका देखिए, ये गलत मत सोचिए मेरी भाभी का बार बार दिख रहा है ना, मैंने बता दिया लोग गलत सोच लेते हैं तो अब गाइस हमने चाय वाय बनाई, और देखिए एक मिनट हम दिखाते हैं क्या क्या क्या। ये देखिए हमारे घर में आलू छील के घर में प्लानिंग हो चुकी है कि आलू की सब्जी, और क्या ये ऑलरेडी आलू की सब्जी लेके आए हैं। आलू की सब्जी क्या बनेगा? और भाभी आलू की सब्जी पूरी और हलवा ना, और आलू की सब्जी पूरी हलवा ये सब बनाएंगे। उसका शाम को हम लोग हलवाई को कुछ समोसा ब्रेड पकौड़े वगैरह का ऑर्डर देके आ चुके हैं, हम शाम को माँ काली के मंदिर जाएंगे सागरपुर, वहाँ बांटेंगे। बाकी देखते हैं अभी और क्या कर रहे हैं। अब मैं भाई मेरे तो अमित जी कर रहे हैं वेट, रात को 10 बज चुके हैं ठीक है। मेरा आदमी भूखा बैठा होगा, भूखे शेर जैसा गुर्रा रहा होगा, हुई कहाँ चली गई भाई, क्या कर रही होगी यार। ये मेरी बहन है, मगर मैं बहन को दिखा नहीं रही मेरी बहन है ये गाइस
यार ये ना ये आना नहीं चाहती गाइस, ये देखिए ये ना ये आना नहीं चाहती वीडियो में, ये सोच रही है कि मैं इसकी फोटो ले रही हूँ बट मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ये सोच रही है बैक कैमरा चल रहा है बट फ्रंट कैमरा चल रहा है, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही मारेगी अगर मैंने इसको वीडियो में लिया तो। और यार मैं शुरू से ही ना इससे बहुत पता नहीं क्यों डरती हूँ यार मैं इससे, क्यों डरते हैं छोटे ऐसी खोटे क्यों होते हैं, बदतमीज है ये सब। और मेरा पता मेरा पति स्पेशली मुझे क्या कहता है, यहाँ तेरी तो अपनी बहन से ना हवा खराब होती है। मीनाक्षी क्या क्या नहीं बोलती, मैंने बोलती जल्दी तेरी इतनी बेइज्जती करता है यार, कोई बात नहीं अमित जी भूखे बैठे होंगे, मैं आ रही हूँ अमित जी आपके लिए खाना लेके। गाइस खाना वाना खाएंगे भाई, और वो फाइल जो है ना क्या है, कौन सी करवा दी केतन ने आपका फोन बजा, अच्छा वो मेरे फादर का एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है ना तो वो बेचारे टेंशन में रहते हैं यार हम लोग। गाइस कल शनिवार है तो मकर संक्रांति पे आज ही 13 तारीख को रात को हमें बहुत ही बैड न्यूज मिली थी, 11:30 के बीच में हॉस्पिटल वालों ने हम एक्चुअल में क्या था उस दिन लोहड़ी थी तो मेरे पिताजी मेरे घर त्यौहार देने आए थे लोहड़ी का, वो देखे और फिर ये लोग मतलब भाई भाभी वगैरह सब देने आए थे, फिर रात में ये लोग गए मेरे घर से, फिर रात में ही हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया, इन लोगों को पता नहीं लगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और भाई जैसे ही ये लोग गए होंगे पहुँचे होंगे उसके बाद बस हमने कपड़े उतार के हम बेड पे बैठी हूँ मैं और इनका फ़ोन आया रात में, और पता नहीं क्यों गए जैसा होता है जब कोई अपना ऐसी स्थिति में होता है ना तो कहीं ना अंदेशा हो जाता है, क्यों ना कि है ना अंदेशा हो जाता है, तो ना जब से ना मेरा ना कुछ ना मतलब बहुत दिनों से मम्मी हॉस्पिटल में भी था तो मतलब ना दिल वो करने लग गया था कि यार जैसे इनका रात आते तुरंत फ़ोन आया ना उसके बाद मैंने सोचा मैंने यार कोई बात है जब ही इन्होंने फोन किया, और जैसे ही मैंने फोन उठाया 11 बजे चालू करेंगे वो तो भाई 10 बजे तक आ जाओ जितने भी आना है सब। तो गाइज वो पीछे से फोन आ रहे हैं ना कि कल कितने बजे पहुंचना है, और गाइज बस जैसे ही इनका फोन आया मेरे दिल में धक धक होने लग गई कि कुछ तो हुआ है, और बस फिर तो जो फोन उठा के शायद मैंने तूने बोला था ना मेरी बहन ने ही बोला था कि पूजा अमित को भेज दे ना कुछ ऐसी बात हुई थी कि ना इनको भेज दे क्योंकि नहीं पता मैं तो आ नहीं सकती थी रात में बच्चा छोटा था उस वक्त 1 महीने का भी, वो उस दिन अगले दिन हुआ था 14 दिसंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ था। बस मैंने जो भाई उसके बाद तो सबका रोना बिलखना चालू हो गया, मेरा भाई आया चीकू को, फिर रात में ये लोग मेरे पास छोड़ के गए, ये लोग हॉस्पिटल गए, यार मतलब वो जो चीज़ याद करके सबसे ज़्यादा दुखद क्या था ये था कि यार जिस माँ ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा ना उसके अंतिम समय में हम एक साथ थे और वो हॉस्पिटल में अकेली थी, मेरे लिए सबसे मतलब दर्दनाक ये बात है जो शायद जब तक मतलब मेरी ज़िंदगी रहेगी जब तक मैं नहीं जाती जब तक मेरे को चुभती रहेगी कि यार काश एक बार हम लोग मिल लेते या पहले चले जाते। खैर मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि छोटा बेबी था 40 दिन को बोलते हैं मगर यार सब बेकार है, बस चले जाना चाहिए, जिसको जो करना है ना उस वक्त कर देना चाहिए, बस मुझे ये पता लग गया इन बातों से। कब गुगु आप थोड़ी गए थे, आप लोग तो मेरे पास रुके थे ना रात को, मैं याद है आपको दादी के जब मैंने दर्शन कराए थे आपको वीडियो कॉल पे। गाइस फिर मेरी बहन ने वीडियो कॉल पे हमारे लास्ट दर्शन भी कराए थे जिसको रात में जो मतलब बहुत ही अभी भी मेरे आंखों के सामने वो वाली पिक्चर है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं हो सकता। बाकी हाँ आम की लकड़ी हवन की लकड़ी हाँ वो है ना उसमें, बस आम के पत्ते लाने होंगे, आम के पत्ते या देख लेना। तो बाकी गए जब माता जी को गए हुए 1 साल हो गया है, आज रात को वही दिन वापस आ जाएगा, बाकी कल मकर संक्रांति है, कल हवन वगैरह करके दुखद आँखों से शायद
पता नहीं यार, बोला नहीं जा रहा इस विषय में, टॉपिक चेंज। बाकी कल दिखाएंगे आपको कि हवन वगैरह कैसे, क्या पंडित जी कब आ रहे हैं। पंडित जी ने हमें टाइम दिया भाभी 11 बजे का, उससे पहले हमारी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए 10 बजे तक, उससे वो आसन वासन ये वो और सब खाना वाना सब कुछ, ठीक है ना। बाकी क्या पागल बनती है इसकी, तो इसका अलग ही स्वैग रहता है इसका। बस बाकी गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल मकर संक्रांति। बाय बाय, टाटा, सी यू।